हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। और इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th की द स्नेक एंड द मिरर की हिंदी समरी को देखेंगे। आखिर ये समरी के माध्यम से जो पोएट है वो कहना क्या चाहते हैं या जो भी राइटर है। डॉक्टर और सांप की कहानी, यह कहानी एक सर्प के बारे में यानी कि सांप के बारे में। यह वक्ता के कमरे में रहता था। वक्ता एक डॉक्टर है, उसने उन्हीं दिनों अपने पेशे को प्रारंभ किया था। डॉक्टर का शीशे में अपनी शक्ल देखना। ग्रीष्म ऋतु की यह एक गर्म रात थी। रेस्तरा में भोजन करने के बाद डॉक्टर अपने घर लौटा था। किराए के घर में बिजली का कनेक्शन नहीं था, इसलिए उसने मिट्टी के तेल की लालटेन जलाई। फिर अपना कोट कमीज उतार कर उसने दोनों खिड़कियाँ खोल दी। कुछ देर पश्चात वो कुर्सी पर बैठ गया और उसने एक किताब निकाल ली। मेज के ऊपर एक बड़ा शीशा था। उन दिनों डॉक्टर को अपनी शक्ल का बड़ा ख्याल रखना रहता था, इसलिए उसने कंघा उठाया, अपने बालों को संवारा। उसने शीशे में अपनी छवि निहारी, फिर उसने शीशे चेहरे पर एक आकर्षक मुस्कुराहट लाने का प्रयत्न किया। कमरे के अंदर बहुत से चूहे थे, वे लगातार शोर कर रहे थे। उस पर सांप का गिरना, डॉक्टर उठ खड़ा हुआ, उसने बीड़ी जलाई, एक कमरे में इधर उधर चक्कर लगाने का। उसे अपनी शादी का ख्याल आया, उसने एक धनवान डॉक्टर के विवाह के बारे में सोचा। उसकी पत्नी मोटी होनी चाहिए, इसलिए यदि वह दौड़ा तो उसे पकड़ ना सकेगी। वह वापस आकर मेज पर बैठ गया। चूहों का शोर रुक गया था। अचानक एक धम की भारी आवाज़ आई। उसके सिर घूमने का एक मोटा सांप उसके कंधे पर आ चुका था। उसने पहले डॉक्टर कुछ सोच सका। सांप डॉक्टर के बाएं बाजू पर केहूनी के ऊपर भाग कर लिपट गया। उसका फन फैला हुआ था, उसका सिर उसके चेहरे से मुश्किल से 3 या 4 इंच दूर हो गई। डॉक्टर के विचार और सांप से बचाव, डॉक्टर वहाँ से ऐसे बैठ रहा जैसा कोई पत्थर का टुकड़ा। उसके ख्याल में एक ही सहारा आया, भगवान का सहारा। लगता था भगवान ने भी इस भावना की कद्र की हो। सांप ने अपना सिर घुमाया और शीशे में देखा। फिर सांप ने डॉक्टर के बाजू की पकड़ ढीली की, वह उसकी गोदी में गिर गया। वहाँ से वो रेंग कर मेज पर आ गया। फिर वो शीशे की तरफ बढ़ चला। ऐसा लगता था मानो वो अपनी छवि को अधिक निकटता से देखना चाहता था। डॉक्टर के लिए यही मौका था। बड़े धीरे से वो कुर्सी से उठा, अतिशीघ्र वो घर से बाहर भाग गया। डॉक्टर का कहीं और चले जाना, वह एक मित्र के घर पहुंचा और अपना समय वहां बिताता। वो अगले दिन प्रातः अपने घर वापस आया 8:30 बजे। उसके साथ अपने मित्र और 1 या 2 अन्य व्यक्ति थे। उन्होंने वहां से उसका सामान उठाया, परंतु उसके उठाने के लिए वहां कुछ नहीं बचा था। कोई चोर उसकी अधिकतर चीज़ें उठा कर ले जा चुका था। सांप का कहीं पता न था। ये जो पूरी स्टोरी है इसको शॉर्ट करके बताया गया। आप कमेंट करके बताएंगे कैसी लगी। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।